सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नमोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नमोट मेडिसिन में, जहां आप आते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक अस्थमा तथा ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने की दवा जिसका नाम साल्बुटामोल है, इसके बारे में जानेंगे। साल्बुटामोल को एल्बुट्रोल नाम से भी जानते हैं। साथ ही ये आपको मेडिकल स्टोर पर टेबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म, इनहेलर फॉर्म, साथ ही रेस्पुल फॉर्म में मिल जाती है। और साल्बुटामोल इनहेलर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, यदि आपको मैं इसको देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप इसके बारे में जान सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में साल्बुटामोल टेबलेट के बारे में हम जानेंगे किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, और यूज़ में विशेष तौर से आपको बताऊँगा ऐसे दो यूज़ जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। साथ ही किन किन पेशेंट को दवा नहीं देनी चाहिए, क्या डोज रहती है और क्या साइड इफेक्ट रहते हैं, ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको साल्बुटामोल टेबलेट के बारे में मिल सके। और साथ ही वीडियो को जोर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। साल्बुटामोल एक एडिनर्जिक क्लास की दवा है जो कि एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एडिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है, और यह इसके प्रयोग के आधार पर ब्रोंकोडाइलेटर, यूटेराइन रिलैक्सेंट, साथ ही वेसोडाइलेटर ग्रुप में आगे इसको क्लासिफाइड किया गया है। और जैसा कि हमने पहले जाना ही था, साल्बुटामोल आपको टेबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, रेस्पुल फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में और इनहेलर फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम साल्बुटामोल टेबलेट के बारे में जानेंगे। साल्बुटामोल टेबलेट आपको 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम तथा 8 मिलीग्राम के अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है। और साथ ही साल्बुटामोल टेबलेट को हम एल्ब्यूट्रोल नाम से भी जानते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। यदि आप ये कहीं लिखा हुआ मिले तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, ये साल्बुटामोल ही है। साथ ही साल्बुटामोल अपने जेनरिक नाम साल्बुटामोल, साथ ही एल्ब्यूट्रोल, इन दोनों ही जेनरिक नाम से मिल जाता है। और इसके अलावा कई सारे ब्रांड्स नेम इसकी मार्केट में अवेलेबल है जिसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पॉपुलर जो इसकी ब्रांड नेम है वो अस्थालीन टेबलेट है, और इसी नाम से आप सभी इसको जानते हैं। कई दोस्तों को ये भी नहीं पता होगा कि एस्थालीन में साल्बुटामोल आता है। और एस्थालीन के अलावा अगर दूसरी ब्रांड की बात की जाए तो वेंटोरलिन, इसे सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है, और साल्बुटोल ये FDC कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ये कुछ 2-3 मैंने ब्रांड बताए इसकी जो पॉपुलर ब्रांड है, और हो सकता है इसके अलावा दूसरी ब्रांड हो, लेकिन जो दवा का नाम रहेगा वो साल्बुटामोल ही रहेगा। एक ही जगह दूसरी आप सब्स्टिट्यूट करके ले सकते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात करें, बहुत ही सस्ती दवा है दोस्तों। जो 4 मिलीग्राम की टेबलेट है आपको 7-8 रुपये में 10 टेबलेट मिल जाएगी, 2 मिलीग्राम की टेबलेट 4 या 5 रुपये मिल जाती है, और 8 मिलीग्राम की टेबलेट 10 रुपये के लगभग आपको 10 टेबलेट मिल जाती है। तो इसकी यह प्राइस रही। और दोस्तों यूज़ जानने से पहले मैं आपको इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बता दूँ, किन किन व्यक्तियों को यह दवा डॉक्टर द्वारा नहीं दी जाती और नहीं उसको लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति एडिनर्जिक क्लास की दवा से हाइपर सेंसिटिव है तो उसे साल्बुटामोल टेबलेट नहीं दी जाती है। साथ ही सीवियर अस्थमेटिक पेशेंट है उसे साल्बुटामोल टेबलेट नहीं दी जाएगी, साल्बुटामोल इनहेलर उसे डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही कोई पेशेंट है जिसको हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, इरेगुलर हार्ट बीट किसी को हो, डायबिटिक पेशेंट कोई हो, या कोई पेशेंट हो जिसकी थायराइड ग्लैंड है बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो, पोटेशियम का जो लेवल है ब्लड में कम हो रहा हो, हाई ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति को हो, साथ ही लंग्स में इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को हो, तो इन सभी पेशेंट को यह साल्बुटामोल टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। साथ ही इन बीमारियों से या किसी भी दूसरी बीमारी से आप पीड़ित हैं तो अपने डॉक्टर को अपनी डिजीज हिस्ट्री जरूर बताएं जिससे कि आपको सही दवा प्रिस्क्राइब कर सके। दोस्तों अब बढ़ लेते हैं इसके यूज़ की तरफ, क्या किया बीमारी में इसका प्रयोग लिया जाता है। जैसा कि ये ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन है तो इसका मुख्यतः जो प्रयोग है अस्थमा, जिसे हम हिंदी में दमा बोलते हैं, इसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसका अगर शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले तो यह एक प्रकार की बीमारी है जिसमें हमारे जो एयरवेज है जिस द्वारा सांस लेते हैं, लंग्स में हवा जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है जिस कारण से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत रहती है, खांसी चलती है और चेस्ट में दर्द या खिंचाव भी हो सकता है। तो इस स्थिति को हम अस्थमा कहते हैं, और इसके ट्रीटमेंट में साल्बुटामोल टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और साथ ही यदि किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज के दौरान ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब ब्रोंकाई सिकुड़ गई हो, तो उस समय में भी ब्रोंकाई को रिलैक्स करने के लिए, श्वास को नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए ये साल्बुटामोल टेबलेट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और साथ ही एक बीमारी है COPD नाम से दोस्तों, जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ बोलते हैं। यह बीमारी लंग से रिलेटेड ही है, और यह उस समय होती है दोस्तों जब लंबे समय तक व्यक्ति के जो एयरवेज है, जो श्वास नली है, उसमें इन्फ्लामेशन रहता है और उसे ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है। तो उसके जो लक्षण है वो भी सेम ही है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, खांसी रहती है, चेस्ट में खींचाव होता है,
तो इस समय में भी यह जो टेबलेट है काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट को दी जाती है और काफ़ी अच्छा उसको फ़ायदा मिलता है। और कई बार यदि किसी व्यक्ति को ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी चल रही हो लंबे समय से, तब भी सालबुटामोल टेबलेट देके उस खांसी को रोकने में काफ़ी सहायता मिलती है। दोस्तों ये जो मैंने यूज़ बताएं, इसके अलावा भी कुछ यूज़ मैं ऐसे बता रहा हूँ जो आप में से कई दोस्तों को नहीं पता है, पहली बार आप सुनेंगे। जिसमें सब पहला यूज़ है, इस दवाई का जो प्रयोग है, इस टेबलेट का जो प्रयोग है, हाइपरकैल्मिया मतलब यदि ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाए तो उसको कम करने के लिए भी डॉक्टर करते हैं। इसके जैसे सिम्टम्स तो नॉर्मली नहीं देखे गए, जो इसकी रीडिंग होती है पोटेशियम की, ये 5.5 mm ऑयल प्रति लीटर से ज़्यादा होने पर यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। और इसके अलावा अगर दूसरे यूज़ की बात की जाए, यदि कोई गर्भवती महिला है और उसे प्री मेच्योर लेबर हो गया, डिलीवरी होने की आशंका है, तो उस समय डॉक्टर यह सालबुटामोल प्रिस्क्राइब करते हैं। अब डॉक्टर उस दौरान सालबुटामोल टेबलेट देते हैं, सालबुटामोल इंजेक्शन देते हैं, वो उनके विवेक पर डिपेंड करता है, लेकिन सालबुटामोल उस समय प्रिस्क्राइब की जाती है। और उस समय प्रिस्क्राइब करने का रीज़न ये है कि ये यूटेराइन रिलैक्सेशन की तरह काम करता है, तो जो गर्भाशय है उसके मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन होने से रोक देगा, वो रिलैक्स हो जाएंगे, जिससे कि जो प्रेशर है बच्चे पे नहीं लगेगा और उसकी डिलीवरी में कुछ डिले हो जाएगा। तो इस तरह से ये उस समय भी काम लिया जाता है। और ये मैंने काफ़ी इसके यूज़ बताए, हो सकता है इन यूज़ के अलावा भी कोई दूसरे यूज़ डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले तो वो लेते हैं। दोस्तों इसके यूज़ जानने के बाद अब बढ़ लेते हैं इसकी डोज की तरफ, कितनी मात्रा में ये डॉक्टर द्वारा पेशेंट को दी जाती है। जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ, जो दवा की डोज होती है पेशेंट की एज, वेट और डिजीज़ की सीवियरिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन जो कॉमन इसकी डोज है उसके बारे में आपको बता दूँ, सालबुटामोल 2 मिलीग्राम से लगाकर सालबुटामोल 4 मिलीग्राम की टेबलेट और आवश्यकता होने पर 8 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार या दिन में 3 बार दी जाती है, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर दिन में 4 बार भी इसको दी जा सकती है। और इस टेबलेट को खाने के पहले तथा खाने के बाद दोनों ही समय में लिया जा सकता है। और सामान्य जो इसका ड्यूरेशन है 1 हफ्ते से लगाकर 10 दिन का होता है, और कई बार लंबे समय तक कई हफ्तों और कई महीनों के लिए भी पेशेंट को दिया जाता है। और यदि कोई पेशेंट है जो महिला है और प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंसी की प्लानिंग कर रही है, साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो इन सभी को भी डॉक्टर द्वारा सालबुटामोल प्रिस्क्राइब की जाती है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं करती, इसे सेफ ही माना गया है। और यह सालबुटामोल जो टेबलेट है बच्चों को, वयस्क को, साथ ही बुजुर्ग व्यक्तियों को, इन सभी को भी दी जा सकती है जब उन्हें इसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों सालबुटामोल टेबलेट बहुत ही कम कार्डियक साइड इफेक्ट रखता है, इसी कारण से दूसरे एड्रेनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर है उनके मुकाबले इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी इसके कई सारे साइड इफेक्ट देखे गए। यदि साइड इफेक्ट के बारे में हम जाने तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे व्यक्ति को जो हार्ट रेट है उसकी बढ़ जाएगी, उसको थकान सी रहेगी, बेचैनी उसको रहेगी, स्वेटिंग उसको हो सकती है, मांसपेशियों में खिंचाव होना या मांसपेशियों में दर्द होना, गले में इरिटेशन रहना, मुंह में सूखापन रहना, फेस पे उसके रेडनेस हो सकती है, सिरदर्द व्यक्ति को हो सकता है, साथ ही ब्लड प्रेशर उसका कम हो सकता है और जो पोटेशियम का लेवल है वो भी कम हो सकता है। ये कुछ उसको अनवांटेड साइड इफेक्ट जो कॉमनली देखे गए हैं वो है, और हो सकता है जो मैंने बताए उसके अलावा भी कोई दूसरे साइड इफेक्ट मिले आपको। यदि ऐसा हो तो तुरंत ही इस टेबलेट को लेना बंद कर अपने डॉक्टर से मिले, जैसे कि कोई दूसरी टेबलेट आपको लिखे और फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। दोस्तों इस तरह से मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको सालबुटामोल टेबलेट के बारे में बता दिए जो पेशेंट के लिए बहुत ही आवश्यक थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कई सारी नई जानकारी मिली होगी और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ गया तो जरूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी ये काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें, जो पास में बेल आइकन इसे दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, सबसे पहले मेरे देख पाएं। आप अपने दोस्त मोहित दादी के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल, मेडिसिन इज़